सीएचसी और पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि टीकाकरण और फील्ड वर्क का कार्य कराए जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में गहरी नाराजगी है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उन सभी से एनएम का कार्य लिया जा रहा है, जबकि ये कार्य उन लोगों के क्षेत्र से बाहर है। इसे लेकर सीतापुर जनपद के लगभग 250 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को आवाज उठाई और सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। इस मौके पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। गोंदलामऊ से आए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अभय शुक्ला, गोंदलामऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आशीष वर्मा, मिश्री के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अतुल पांडे ने आरोप लगाया कि उन लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। सीएमओ से मिलने के बाद यदि समाधान न हुआ तो उनका अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर आई इंडिया से उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारा नाम अभय शुक्ला है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं गोंदलामऊ में, और हम लोगों की मांगे हैं टीकाकरण हम लोगों से करवाया जा रहा है, फील्ड का भी वर्क करवाया जा रहा है, और जिन बिंदुओं पे हम लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया था उन बिंदुओं पे काम न करवा के और सारे काम करवाए जा रहे हैं। हम लोगों का जो मेन वर्क है वो मरीजों को देखना है, उनको दवाइयाँ देना है, उनको स्वास्थ्य सेवाएँ गाँव-गाँव में पहुँचाना है, मगर वो न करवा के और सारे काम करवाए जा रहे हैं। एनएम के भी काम करवाए जा रहे हैं और बाकी भी अदर काम सब करवाए जा रहे हैं। तो अदर काम क्यों करवाए जाते थे, क्या किसी नर्सेस की कमी थी, किसी की कमी थी, या फिर आपको जानबूझ कैसे काम करवाए? नहीं, हम लोगों को जानबूझकर ही परेशान किया जा रहा है, क्योंकि एक हम लोगों का इंसेंटिव जो बनता है वो 15 बिंदुओं पर बनता है, और उसको वो उसके लालच में ही सब जो MOIC हैं या जितने भी और लोग हैं, वो लोग जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों को, इसीलिए हम वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं कि PBI इन लोगों को लंबित किया जा सके। अभय शुक्ला, मैम ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपका काम ही करवाएंगे, टीकाकरण हम लोग नहीं करवाएंगे, उसके लिए हम एक लेटर भी जारी करवा रही हैं मैम, और हम संतुष्ट हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम आगे DM से या हम राज्य स्तर पर आगे कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और मेरा ब्लॉक गोंदलामऊ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये CHO की भर्ती प्रक्रिया जब हुई थी तो हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हुए थे, तो उस पर जो ये टीकाकरण वाला मामला जो ये चल रहा है, हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं पर नहीं था। सडन से कहीं से प्रमुख सचिव जी बोल देते हैं कि टीकाकरण में सहयोग करना है। अब यहाँ से हमारे अधीक्षक लोग दबाव ये बनाते हैं कि आपको जाके टीकाकरण में सहयोग नहीं, टीकाकरण ही करना है, और जबकि सच बात यह है कि हम लोगों के पास हजारों काम होते हैं, ई संजीवनी, NCD पोर्टल, पेशेंट भी देखना है, योगा भी करवाना है। अब आप ही बताइए कि एक CHO ये 25-25 काम कैसे करे। और दूसरी चीज़, हम लोगों का जो PBI आता है वो कभी ऑन टाइम पे आता ही नहीं है, उसका ये होता है कि 15 बिंदुओं का PBI होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ अधिकारी और जो हमारे संरक्षक हैं, या मतलब जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, वो उसमें से कट लेने की कोशिश करते हैं। और रही टीकाकरण की बात, तो हम CHO को अभी आश्वासन दिया गया है कि टीकाकरण तुम लोगों को नहीं करना है, अगर जो ये हो गया तो हम लोग अपना अपने स्तर पर जाकर जैसे काम करते थे हम वैसे काम करेंगे, और अगर जो ऐसा नहीं होता है तो हम आगे राज्य स्तर पर, या राज्य स्तर पर भी बात नहीं होती है तो हम उसके आगे भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हाँ, अभी हम लोगों का कोई वेतन नहीं मिला है, अभी मेरी ज्वाइनिंग जो है अभी फिलहाल में 3-4 महीने पहले हुई है, अभी 3-4 महीने पहले से मेरे पास अभी कोई सैलरी नहीं आई है, और PBI की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पुराने वालों का तो अभी आया ही नहीं है। हाँ, जितने भी नए 5505 की भर्ती हुई थी उसमें से अभी किसी की सैलरी नहीं आई है। मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा, मैं ब्लॉक गोंदलामऊ और मैं रहने वाला सिधौली गाँव। हाँ, जैसा आज बताइए, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे CMO ऑफिस में, काफी ज्यादा तादाद में आप लोग थे, क्या कुछ मांगे थी और क्या इंस्ट्रक्शन मिला आपको? देखिए, हमारी जो मेन मांग थी RI की थी, जो टीकाकरण है वो, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैम को ज्ञापन दिया था। मैम ने पूरा आश्वासन दिया है कि सारे जो अधीक्षक हैं वहाँ पे आज डेटल इशू हो जाएगा कि हम लोगों को अपना सेंटर छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, अपने सेंटर पे ही काम करना है। दूसरा, PBI जो हम लोगों का लगभग 1.5 साल से लंबित है, उसके लिए भी मैम ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस वीक सारा जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने के बाद
वो पीबीआई भी हम लोगों का जल्दी से जल्द यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर मांगे, हालांकि मैम ने पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग डीएम सर को भी ज्ञापन देंगे और आगे भी अपने स्तर से जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मांग पूरी कर ली गई है। आज आप लोग कितनी तादाद में यहाँ पे आए? हम लोग लगभग 150 से 200 लोग अभी हैं और बाकी 40-50 लोग अभी जा चुके हैं अपने अपने सेंटर पे। क्या पूरे जिले से लोग यहाँ पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये हर जिले में ये चल रहा है, मतलब सिर्फ सीतापुर का नहीं, आपका जितना भी जिला है यूपी के, सारे जिले में सारे सीएचओ एकत्रित होकर आरआई के खिलाफ अपना अपना आह्वान कर रहे हैं कि मतलब आरआई ना करने पर। आपका नाम? अतुल पांडे। क्या आप संगठन के कौन है, क्या? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मिश्रित। एएनएम का कार्य सीएचओ पुरुष ही नहीं महिला अधिकारियों से लिया जा रहा, इस पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का आरोप है कि जो एएनएम का काम है वो कार्य उन्हें नहीं करना है, उनका कार्य सुपरविजन का है और वो करें वही करेंगी। इस मौके पर एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिलाध्यक्ष अतुल पांडे, जिला महामंत्री रानी वाजपेयी, अनुरोध दीक्षित, सृष्टि राम बाबू, ऋतिक शर्मा, शिवम दीक्षित, फरहीन खान, साधना सिंह, अनुरोध दीक्षित, अमित कुमार, अभय शुक्ला, नीरज पटेल, शालिनी देवेश, आशीष साहू, साक्षी अवस्थी, दिव्या दिनेश, मनोज विष्ट, मोनिका सिंह, आराधना दीक्षित आदि मौजूद रहे। महिला महामंत्री आरती और गुंदलामऊ से आई कृति तिवारी ने आई इंडिया को बताया। हम लोगों की ये मांगे थी कि हम लोगों को बोला गया था कि पहले महीने के पहले बुधवार को टीकाकरण हम लोगों सीएचओ को करना है और एनएचएम गाइडलाइन में ऐसी कोई कुछ भी नहीं है कि सीएचओ को टीकाकरण करना है। हमारी मांगे बस यही थी कि जो हमारा काम है बस हम लोग वही करें और जो एनएम का काम है उसका वो एनएम करें। तो आप लोगों से क्या काम करवाए जाते थे और क्या किस लिए करवाए जाते थे, क्या अदर लोगों की कमी थी या फिर आपसे जानकारी करे थे काम? नहीं, कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों को ऐसी सूचना मिली कि टीकाकरण हम लोगों को करना है सेंटर पे, जो हमारा काम नहीं है बस उसी का हम ज्ञापन देने आए हैं। तो आप लोगों से करवाया जाता था ऐसा काम? हाँ, ऐसा कुछ ब्लॉक में बोला गया है तो इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, ऐसा बोला गया है कि आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती और आगे भी ऐसी कोई बात सामने आती है तो क्या आपके द्वारा कदम उठाया जाएगा? अभी हम सारे सीएचओ के कैडर मिल, अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो हम सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, फिर अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, सारे मिलकर डिसीजन लेंगे। कहाँ से आएंगे आप? मैं सिधौली से, ब्लॉक गुंदलामऊ। आपका नाम? कृति तिवारी। सर कुछ ये कि हमारी मांगे थी कि हमें आरआई नहीं करना है जो कि एनएम का काम है और हमारा जो काम है वो हमें काम करने दिया जाए और इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हमारे पॉइंट जो पूरे नहीं हो पाते जिसकी वजह से, और एनएम का काम है वो हम क्यों करें? आखिर एनएम को ट्रेनिंग मिली है, एनएम का है जो काम वो काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो हमारी जो मांगे हमने रखी थी सीएमओ मैम से वो हमारी पूरी हुई है और अब महीने में 2 आरआई करना रहता है, पहला बुधवार और नेक्स्ट जो है वो कोई भी चूज करके कर सकता है, परीक्षण का यानी सुपरविजन का है हमारा काम, वो हम काम करेंगे और हमारी मांगे पूरी हुई है। नहीं आरआई सर हमें नहीं करना पड़ता था, केवल हमें सुपरविजन करना है, वो भी मंथ में 2 आरआई हमें करनी रहती है, वो सुपरविजन करना है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम आरती है। मैम के आश्वासन से क्या आप संतुष्ट हैं? यस। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? तो आगे हम सारे मिलकर जो भी डिसीजन लेते हैं फिर आगे देखेंगे क्या होता है। आप कौन है? मैं महिला महामंत्री। सीएचओ द्वारा व्यक्त किए गए विरोध और ज्ञापन को लेकर सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। जी, आज 153 सीएचओ यहां आए थे, उनकी मांग यही है कि हम लोगों को पहले मार्च में एक आदेश प्रमुख सचिव साहब का हुआ था कि जो वेकेंट सब सेंटर्स हैं जहां पे एएनएम पोस्टेड नहीं है वहां ये लोग प्रथम बुधवार को, महीने के एक बुधवार को टीकाकरण कर दें बच्चों का, लेकिन इनको उसमें भी ऑब्जेक्शन है और अभी ये दूसरा जियो जारी हो गया है कि दूसरी जो एएनएम है दूसरे सब सेंटर की उसको हम दूसरे दिन बुधवार छोड़ के किसी और दिन वहाँ पर टीकाकरण करा सकते हैं या किसी सब सेंटर पर 2 हैं तो वहाँ से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो हम कर देंगे और वो वाली प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, काम कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कराया जाता, उनको अपने सब सेंटर जहाँ पर उनका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर आने वाले मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ देना है और जो वो नहीं दे सकते उसके लिए उनको रेफ़र करना है,
जो चीज़ वो दे सकते हैं उसकी उनको दवा देनी है, टेली कंसल्टेशन करना है, और अगर कोई आदमी ये सब पूरे काम नहीं कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को हम किसी भी ग्राउंड पे नहीं जोड़ सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उनकी मांग है कि हमें नहीं मिला है, तो उनकी परफॉर्मेंस पोर्टल